विद्यानगर प्राथमिक शाला धोरण 6 विषय हिंदी एमां आपणे जोईए रिविजन में पाठ बे नुं नाम छे अनूठे इंसान। शुं नाम छे? अनूठे इंसान। इस इकाई में दो प्रसंगे, प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है, जबकि दूसरे प्रसंग में केरल के देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। तो हवे आपणे जोईए तो आमां अलग अलग प्रसंग आपेला छे। जोईए ऐसा था नेपोलियन, तो नेपोलियन विषे कहानी छे। पछी कौमुदी विषे छे, कौमुदी नामनी लड़की छे, एणे साचुं दान कर्युं हतुं। तो हवे आपणे जोईशुं ऐसा था नेपोलियन, तो नेपोलियन विषे छे। तो नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन जारे नानो छोकरो हतो त्यारथी ते शुं हतो? साचुं बोलनारो हतो अने सत्यवादी हतो। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मीचोनी खेल रहा था। एटले एक दिवस से तेनी बहन इलाइजा जोड़े आँख मीचोली खेली रह्यो हतो। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। तो शू थे जयरे इलाइजा छुपाई गई हो तो नेपोलियन ने गोतवा माटे दौड़े छे। तो शू करे छे? एक लड़की थी टकराय छे। लड़की अमृत बेचने के लिए एटले लड़की शू करे छे? अमृत वेचवा माटे जती होय छे। नेपोलियन थी टकराय छे तो ए बधुं नीचे पड़ी जाय छे। अने कीचड़ होय छे नीचे, तो कीचड़थी शू थई जाय छे? अमृत खराब थई जाय छे। तो ते रोती रोती एवुं कहे छे कि हवे हुं मारी माँ ने शू जवाब आपीश। देखो आपणे चित्रमां जोई शकीए छे, नेपोलियन नामनो छोकरो छे, जो आ नीचे अमृत वेराई गयेला छे। तो पछी ए छोकरी रड़वा लागे छे। देखो चित्रमां छे ने? तो नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के एक लड़की को देखकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। तो ऐसु करे छे, सिक्का होय छे आपी दे छे। नहीं बहन, हमारे कारण ही इसकी हानि हुई है। तो एवं कहे छे कि ना बहन, मारा कारण ज आ बधुं थयुं छे। आ कहीने नेपोलियन एना जेबमांथी 3 सिक्का होय छे, एना खिस्सामांथी 3 सिक्का होय ते छोकरीने आपी दे छे। અને એમ કહે છે કે બહેન મેરે પાસે 3 હી સિક્કે, તો મારી જોડે આ 3 સિક્કા છે, ઇસ 3 સિક્કો સે ક્યા હોગા, મેરી માં મુજે બહોત મારેગી। લડકી ને કહા, અચ્છા તો તુમ હમારે સાથ ઘર ચલો, હમ તુમે અપની માં સે ઓર પૈસે દિલવા દેંગે। તો એ છોકરી એવું કહે છે કે આ 3 સિક્કા માં શું થશે એમ, કે મને મારી માં બહુ મારશે। છોકરી એવું કહે છે, તો એ નેપોલિયન શું કહે છે કે સારું તો તું મારી જોડે ઘરે ચાલ, મારી માં તને પૈસા અપાવી દેશે, પૈસા બીજા અપાવી દેશે। તો હવે જોઈએ પેજ નંબર 7 ઉપર, એમાં ઈસ પર ઇલાઇઝા અને નેપોલિયન સે કહ્યા, ભૈયા ઈસે ઘર લે ચલો કે તો માં નારાજ હોગી। તો જ્યારે નેપોલિયનની બહેન હોય છે એ એવું કહે છે કે ભૈયા આપણે આને ઘરે લઈ જશું તો આપણી માં મમ્મી નારાજ થઈ જશે, મમ્મી ગુસ્સો થઈ જશે એમ। તો નેપોલિયન નહીં માના, વહા ઉસ લડકી કો અપને સાથ ઘર લે ગયા, એટલે નેપોલિયન ના માન્યો। એ શું કર્યું? એ છોકરીને એની સાથે ઘરે લઈ ગયો ઓર માં કો ઘટના કી જાણકારી દેકર વહા બોલા। તો એની માને ઘટનાની બધી ઘટનાની જાણકારી આપી અને કહ્યું કે માં આપ મુજે જો જેબ ખર્ચ દેતી હો ઉસમે સે ઇસ લડકી કો પૈસે દે દીજે। તો નેપોલિયન જે રોજના જે રોજના એને જે પૈસા મળતા હતા વાપરવા માટે, તો નેપોલિયન એવું કહે છે કે એ જે રોજના પૈસા આવે છે એ તમે આને આપી દો। તો એની માં કહે છે કે ઠીક હે, મેં તુમ્હારી સચ્ચાઈ સે ખુશ હું, મગર યાદ રખના અબ તુમે 1 મહિને તક જેબ ખર્ચ કે લિયે કુછ ભી નહીં મિલેગા। માને કહા, તો જ્યારે નેપોલિયનની મમ્મી એવું કહે છે કે સારું કે હું તારી સચ્ચાઈ પર ખુશ છું, પણ યાદ રાખજે તને 1 મહિના સુધી જેબ ખર્ચ નહીં મળે એમ। એટલે એવું કહે છે કે યાદ રાખજે તને 1 મહિના સુધી કશું વાપરવા નહીં મળે। તો એની તો માને કહા, તો એની માએ એવું કહ્યું ઠીક હે માં, નેપોલિયને હસતે હુએ કહા। તો નેપોલિયન એમ કહે છે કે સારું એમ કરીને હસવા લાગે છે। તો માને ઉસ લડકી કો 2 બડે સિક્કે દિયે, એટલે માએ શું કીધું, માએ શું કર્યું, એ છોકરીને 2 મોટા સિક્કા આપ્યા।
वह खुशी खुशी घर लौट गई थी, खुशी खुशी घरे जाती रही। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर नेपोलियन ने धक्का देवानी सजा मारी, पर सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया, केम के एने अंजानाथी धक्को आप्यो हतो, जाणी जोईने धक्को नतो आप्यो, पण अंजानाथी धक्को आप्यो हतो तो एने सजा तो मळी, पण एनी सजा सत्यना पथ ऊपर चालवा माटेनी जे सजा मळी एने अद्भुत आनंद आप्यो। एम वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। तो नेपोलियन वास्तव में शू हतो, सच्चाई ना रस्ता पर चलवा वालो इंसान हतो, अने बालपण में तेने सच्चाई अने दृढ़ शक्ति पर खुद पर ही दृढ़ विश्वास था। तो नेपोलियन नानपणथी ज साचू बोलनारो माणस हतो। हवे जोईए बीजो प्रसंग छे, सच्चा दान। शू छे सच्चा दान? साचू दान। देखो चित्र में देखाय छे, तो हवे आपणे जोईए। मालबार की बात है, क्यानी बात छे? मालबार एटले केरल नी बात छे। वहां बड़गरा नाम के गांव में सभा का आयोजन किया गया। क्या गांव में? बड़गरा नाम नु गांव छे। त्यां सेनु आयोजन थयु? सभा नु आयोजन थयु। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। तो गांधी जी शू कर्यु? एमना भाषण में जेपन बहनों आवी हती एमनी जोड़े जेवरो एटले घरेणाओनी भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेट में। देखो चित्र में देखाय छे, बधी बहनों उभी छे, अहींया घरेणा पड़िया छे, ना गांधी जी छे। तो हवे जोईए बहुत सी वस्तुओं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। तो बहु बधी वस्तुओं भेंट में मड़ी हती अने एमनु भाषण पतावीने गांधी जी बधु नीलाम करवा मांगता था। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे धीरे से मंच पर चढ़ाई। तो जारे गांधी जी बधु नीलाम करता था त्यारे ए समय 16 वर्ष की जे कन्या हती ए धीरे धीरे स्टेज ऊपर आवी, मंच ऊपर आवी। उसके एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोला, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? तो ये गांधी जी ने शू करे से एना हाथ नी सोना नी बंगड़ी हो उतारी ने गांधी जी ने एम कहे कि शू तमे मने हस्ताक्षर आपसो? एटले एम कहे साइन आपसो एम। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसके दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। तो ए बीजे हाथ नी पण चूड़ी उतारे छे। तो गांधी जी एवुं कहे छे के पागल लड़की, तारे बन्ने हाथ नी बंगड़ी उतारवानी जरूर नथी, हुं तने एक ज चूड़ी आपीने हस्ताक्षर आपी दईश। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुम्हें अपने माता पिता से याज्ञा ले ली है ना? तो गांधी जी एवुं कहे छे के ते तारा माता पिता जोड़े याज्ञा लीधी छे ने? एमने पूछ्यु छे ने एम ए स्वर्ण જ્યારે એનો ગળાનો હાર ઉતારે છે ને ત્યારે ગાંધીજી એને એવું પૂછે છે કે તે તારા મમ્મી પપ્પા જોડે આજ્ઞા લીધી છે ને? બિના કોઈ ઉત્તર દીએ ઉસકે કાનો મેં સે રત્ન જડિત બુંદે ભી નિકાલ દીએ। તો પછી ત્યારે કૌમુદી કશું નથી બોલતી અને એના કાનમાંથી જે બુટ્ટી હોય છે એ પણ એ આપી દે છે। ગાંધીજીને પૂછા, તુમને ઇન આભૂષણો કો દેને કે લીએ અપને માતા પિતા સે આજ્ઞા લે લી હૈ ના? કૌમુદી કુછ ઉત્તર દેતી ઇસસે પહેલે હી કિસી ને કહા, ઇસકે પિતા તો યહી હૈ, मान पत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तो कौमुदी तो कसु नहीं बोलती, पण कौमुदी कसु बोले ए पहला एक व्यक्ति हो छे, एम कहे छे के एना पप्पा अहींया छे के जे तमने नीलामी में मदद करे छे अने बोली लगवा में मदद करे छे। तो गांधी जी हवे शू कहे छे जोईए, तुम्हें यहां तो मालूम होगा ही कि ये गहने देने के बाद फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। तो गांधी जी कौमुदी ने कहे छे कि तू आ गहना आपी देशो तने नवा घरेणा नहीं मळे। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग सच्चा आभूषण है। तो गांधी जी કૌમુદી કી અ શરત દ્રઢ કૌમુદીએ જ્યારે આ શરત તેને સ્વીકારી લીધી ત્યારે ગાંધીજી એવું કહે છે, ગાંધીજી હસ્તાક્ષર કર્યા પછી ગાંધીજી એક મસ્ત વાક્ય લખે છે,
कि तुम्हें इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है, सच है देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये जो कौमुदी नामनी छोकरी हो जे शू करे छे एना आभूषण नु एना वस्त्र एना जे घरेणा होय छे एनु त्याग करे छे। तो अहीं आपणे पाठ बे पूर्ण थाय छे। तमारे होमवर्क में अभ्यास अने स्वाध्याय लखी देवानुं।